उनके शहीदी दिवस पर चंडीगढ़ के लोगों द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कैंडल मार्च सेक्टर 34 से होते हुए स्थानीय मार्केट तक निकाला गया। कैंडल मार्च में पुरुषों ने पीली पगड़ी व महिलाओं ने पीले दुपट्टे धारण कर कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। मार्च के दौरान लोगों ने बताया कि आज के युवाओं को भगत सिंह के मार्ग पर चलना चाहिए, साथ ही उनके द्वारा दी गई कुर्बानी को याद रखते हुए अपने जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक बार अपने हक के लिए क्रांतिकारी बनना चाहिए। इसी के साथ ही वहां मौजूद लोगों ने ये भी कहा कि कितने साल हो गए अभी तक भगत सिंह को शहीद होने का दर्जा नहीं दिया गया है। साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह के नाम पर बदलना चाहिए, जो कि सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। उसके बारे में बताइए। मैम, आज हमने कार्यक्रम रखा है भगत सिंह जी की उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ताकि हो सकता है मोदी जी जाग जाए कि जब 17 साल की उम्र में भगत सिंह जी फांसी पे हंसते हंसते चढ़ गए थे तो उनको किस चीज़ का ईगो है, वो क्यों खामखामे एक क्या बोलूँ बस मैं है? तो उनको है कि हम तो यही चाहते हैं कि आज वाले दिन वो तीनों कानून वापिस ले ले तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। किया गया है, इसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे इस शहीदी दिवस पर भगत सिंह के बारे में। मैं असी अपने शहीदों को अज श्रद्धांजलि देने के तौर पर सारे इकट्ठे हुए हैं, नाल असी वो दसना चाहते हैं मौजूदा सरकार नू कि असी उस कौम असी उस राज असी उस दे असी उस कौम तो रेट करते हैं जिथे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वर्गे योध्या के नाल असी उन्होंने साडा देश बचाया। अज उ योध्या की कौम खालिस्तानी कहा जा रहा है, उन्होंने असी लानत देन वास्ते अज असी इकट्ठे होए हैं। उन्होंने काला कानून जिहड़ा अज उन्होंने लागू किया है, असी उन्होंने मुड़ रख के आज शहीदों मुड़ रख के असी दसना चाहते हैं असी उस कौम के हैगे हैं, असी एक कानून रद्द ते आज मैंने एक पोस्ट लिखी है कि भगत सिंह आज भी जिंदा है। कितनी दुनिया में लोग आते हैं कितने जाते हैं, सिर्फ जिंदा लोगों को याद किया जाता है। और मैं सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अपने अपने ढंग से आज भगत सिंह की जो है याद कर रहे हैं उस दिन को और सैल्यूट कर रहे हैं भगत सिंह को। और भगत सिंह एक आदमी नहीं है, वो एक सोच है, और आदमी मरता है, सोच कभी मरती नहीं। और दुनिया के कोने कोने में भगत सिंह की सोच पे पहरा देने वाले लोग समाज में जगह जगह बैठे हैं, और ये सोच जब तक रहेगी मानवता के हित की सोच है, और इस सोच से ही मानवता बच सकती है। अदरवाइज ये पूंजीवाद का जो शिकंजी पंजा है ये सब कुछ खा जाएगा, और गरीब और मजदूर जो है जिनकी 1931 में जिन्होंने जो सोच दी थी वो आज जो सामने दिख रहा है वो खून के प्यासे हैं पूंजीवादी लोग, जैसे अभी सब कुछ ग्रेप कर रहे हैं, और ये किसान आंदोलन भी उसी की एक परिणति है। एकदम जब जीने मरने का सवाल आ गया तब जाके किसान वहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि भगत सिंह की सोच के मानने वाले जैसे जो आज जो भीड़ हो रही है हर जगह, आप शहर में भी देखें कितनी जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, ये इसके 100 गुना और बढ़ जाए तो हम जी सकते हैं, मानवता जी सकती है। मैं भगत सिंह को सैल्यूट करता हूं, और हम तो जब कॉलेज में थे तब भी हमारे आदर्श भगत सिंह होते थे और आज भी हैं। मैं 55 साल का हो गया हूं, आज भी जब हम जवान थे 18-20 साल के तब से लेके आज तक हमारी भगत सिंह के प्रति सोच में कोई फर्क नहीं आया। इसलिए मैं तो हर नौजवानों को कहता हूँ, वो नौजवान ही क्या है जिसने भगत सिंह को नहीं पढ़ा। और एक और मैंने कहीं पढ़ा था, कहते हैं दुनिया में कोई भी बुद्धिमान आदमी अपने जीवन में एक बार कम्युनिस्ट चेहरा नहीं रह सकता, ये बुद्धिमान होने की निशानी है। अपने जीवन में कोई भी बुद्धिमान आदमी एक बार कम्युनिस्ट चेहरा नहीं रह सकता। तो नौजवानों से मेरी विशेष तौर से अपील है कि भगत सिंह को पढ़ो और जियो। क्या नाम है आपका? सुखजीत सिंह। क्या उम्र है आपकी? 19। आपकी उम्र में भगत सिंह ने अपने जान कुर्बान की थी भारत के लिए, क्या कहेंगे आज शहीदी दिवस पर भगत सिंह को लेकर? भगत सिंह मतलब असं ये कहेंगे उन्हों कि उदे करके जो ये सब हो रहा है, मतलब सारी मतलब आज़ादी मिली है सानू करके मिली है, तो जेड़े 3 काले कानून है इस करके हम खड़े हैं सारे जाने। तो उस दे पिछे मैं 3-4 लाइन भी लिखी हुई हैं, जिदा बहुत लाइन मैं लिखता रहता। हाँ, सुना दिना जी। तू डांगा गोलियां भावे मार सानू, साडा हौसला नहीं तू मार सकती, करजा कुर्बानियां दा साडा सिर तेरे दिल्ली तू कदे नहीं उतार सकती, तेरा नाम निशान भी मिट जाता हूँ अत्तवादी तू सानू दसदी है, अज हंकार च फिरे औकात भुली तू साडे पिता दे सीस ते वसदी है, तू साडे पिता दे सीस ते वसदी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, असं शहीदी दिवस से कह सकते हैं जी, साढ़े गुरु गोबिंद सिंह तो लैके साढ़ा इतिहास ही है, इंडिया के एक इतिहास है जी,
ਵੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵਾਢੀਆਂ ਲੱਖ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੜੇ ਗਲਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਢੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਬਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਆਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭਵਨ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵੀ ਉਸਕੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਸਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਆ ਹੈ, ਫੈਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਾਰਜੀ ਦਸਾਈ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣਾ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ, ਉਹਨਕੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰ ਨਾ ਆਓ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।